आज उकवा क्षेत्र के श्रामा टोला में गोंडवाना साम्राज्य के अंतिम शासक महाराजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी की बलिदान दिवस के अवसर पर जो मूर्ति स्थापना हो रही है, इस मूर्ति स्थापना में पधारे हमारे बिरसा ब्रिगेड के आदरणीय विक्रम साहब, आदरणीय सतीश पेनाम साहब दादाजी, और मंच पर बैठे वरिष्ठ हमारे सामाजिक वरिष्ठ जन और हमारे युवा साथी भाई, आप सभी लोग आज के इस बलिदान दिवस के अवसर पर मूर्ति स्थापना में यहाँ पधारे हैं, आप सब लोगों को मैं जय जोहार करता हूँ और अपनी बात आगे रखता हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसा कि अभी उद्घोषक महोदय जी ने कहा कि आपके बीच में डॉक्टर प्रमोद मरावी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समीक्षक चित्रकूट से यहाँ पर आए, तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं मूलतः मंडला जिले का रहने वाला आदिवासी भाई हूँ और चित्रकूट में मैं एक सेवा में हूँ, और उस सेवा के दौरान धरती आवा भगवान बिरसा मुंडा के विषय में आदरणीय सतीश दादा पैनाम साहब को यूट्यूब में सुन के बहुत सारी कुछ चीज़ों को ऐसा विषयों पर मैं बोलने लगा, और बोलते बोलते एक ऐसा अवसर आया कि विश्वविद्यालयों ने हमको एक डॉक्टरेट की उपाधि दी और हमें आगे काम करने के लिए प्रेरित किया और हमें आगे भेजा। उनकी ये मंशा थी कि हम जाएं आगे और आगे जाकर के हमारे आदिवासी भाइयों के साथ होने वाले षड्यंत्र और उनके साथ होने वाले हक अधिकार के छलावे पर पर्दा डालें और आदिवासियों को अंधविश्वास की धरातल पर धकेलने का काम करें, ऐसी आशा और विश्वास के साथ हमें यह अवार्ड मिला। लेकिन हमें, चूंकि हम आदरणीय सतीश पेनाम दादा को सुनते थे और उनकी विचारधारा और आइडियोलॉजी से प्रेरित थी, इसलिए हमारा ये सौभाग्य था कि 15 अक्टूबर 2022 को मैं नागपुर गया और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आदरणीय दादा से मुलाकात हुई, दादा से विषय पर चर्चा हुई। तो मुझे इस बात का बिल्कुल आभास नहीं था, मुझे ये लगा कि मैं आयोग में चला गया हूँ, मुझे इतनी बड़ी डिग्री मिल गई है, मतलब मैं समाज की हर समस्या का हल हूँ, ऐसा मुझे गलतफहमी हो गई। मुझे लगा कि मैं अब मंडला जाऊँगा, बालाघाट जाऊँगा, सिवनी जाऊँगा, छिंदवाड़ा जाऊँगा, और मैं चूंकि आयोग में चला गया हूं और मैं बहुत बड़ी डिग्री पा लिया हूं, तो अब मैं समाज के साथ खड़ा हो जाऊंगा और समाज के लिए कोई कमेंटमेंट कर दूंगा तो समाज की समस्या का हल हो जाएगा। इस बात की मुझे गलत फहमी थी। वो 15 अक्टूबर 2022 को जब इंटरनेशनल प्रोग्राम नागपुर में मैं गया तो वो गलत फहमी मेरी दूर हुई। वो जब गलत फहमी मेरी दूर हुई और जब मैं उस गलत फहमी दूर होने के बाद जब मैंने अपना काम शुरू करना शुरू किया, मैं आदरणीय दादा को बताना चाहूंगा जो मेरे से पहले अभिवक्ता थे, सरकारों ने इतना जबरदस्त षड्यंत्र आपके साथ किया है कि कोई आयोग, संवैधानिक पद पर बैठी हुई आपकी बहन, हमारी बहन अनुसुईया उइके जी जो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी, वो भी भारत देश के किसी राज्य की राज्यपाल है, इस देश की राष्ट्रपति संवैधानिक पद पर बैठी हुई महामहिम मुर्मू जी, हमें उनसे मिलने का, अभी कुछ दिन पहले तक मैं ये कहता था कि उनसे मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन आज मैं इस मंच पे ये कहते हुए मुझे दुख हो रही है और पीड़ा भी हो रहा है कि वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जिस दिन हमें दिल्ली में उनसे मिलना पड़ा। आज आदिवासियत के इतिहास में, आज बलिदान दिवस के स्तर पर, आज बलिदान दिवस के अवसर पर बलिदान के स्तर की बात होनी चाहिए। मैं आज, हो सकता है या नहीं आता, लेकिन मुझे पता चला भाई राहुल मराबी जी ने बताया कि दादा इस कार्यक्रम में रहेंगे, आज जबलपुर में जहां पर राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह का बलिदान हुआ, आज वहां पर पूरा मेला लगा है, पूरे देश भर के लोग इकट्ठे हैं, बहुत सारी लोक लुभावनी बातें होंगी, चुनाव की बातें होंगी, न जाने किस किस तरह की बात होगी, और समाज उन बातों को सुनेगा, कुछ देर के लिए आनंदित होगा और चुपचाप चला जाएगा।
इस बात के लिए बिरसा ब्रिगेड के माध्यम से जो विचारधारा हमारे अंदर आई, वो विचारधारा ये आई कि अब कोई विकल्प नहीं बचा। आपके हमारे पास इस जंगल जमीन को बचाने के लिए ना तो कोई विकल्प बचा है और ना ही कोई विचारधारा बची। अगर उस विकल्प और विचारधारा को आपको बनाना है तो मिशन जो आपका है, बिरसा ब्रिगेड के मिशन को आपको समझना पड़ेगा और उसके माध्यम से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं आपको आज ये बताने आया हूँ कि अब जल जंगल जमीन संविधान तमाम हक अधिकारों की जो आप बात करते हो, जिस पेशा एक्ट की अभी ने बात करी, पेशा एक्ट तो बेईमानी, उसकी तो बात ही ना करो तो ज्यादा अच्छा। आपको पता होगा कि पेशा एक्ट बनने के पहले इतना तेजी से विस्थापन नहीं बढ़ा था, लेकिन पेशा एक्ट 15 नवंबर को लागू हो गया तो सबसे ज्यादा विस्थापन दादा इस देश में शुरू हुआ। इस बात पर आपका ध्यान नहीं गया। एक बात और दादा ने अभी कही कि आप बैहर को जिला बना लें, तो मैं मेरे पिता तुल्य हैं, वो मैं उनका बच्चा हूँ, लेकिन ये बात कहना चाहता हूँ कि कोई जिला बनाने से आपकी समस्या का समाधान नहीं हो। जब आदिवासी को राष्ट्रपति बनाने से समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जिला वो तो बनाने ही वाले। मैं आपको राज्य पुनर्गठन आयोग की बात बताना चाहता हूँ। बहुत सारे आयोग हैं जो संविधानिक आयोग है, मैं उनकी आपको बात बता के अपनी बात खत्म करूंगा। बारिश हो रही, वो राज्य भी आपको दे देंगे। अगर आप गोंडवाना प्रदेश मांगोगे तो उनकी मंशा ये है कि 24 के पहले हम इनको गोंडवाना प्रदेश भी दे देंगे, क्योंकि हमें तो वोट चाहिए। प्रदेश बन जाएगा गोंडवाना तो क्या मिल जाएगा आपको? जितनी गति से विस्थापन हुआ है उस गति से विस्थापन 1000 और गति से बढ़ जाएगा, लेकिन घटेगा नहीं। इस बात को आप ध्यान रखना। दुश्मन के षड्यंत्र को समझने के लिए कैडर की आवश्यकता होती है, और वो कैडर देने वाला एकमात्र संगठन है बिरसा ब्रिगेड और आदरणीय सतीश पैनाम। और ये जवाबदारी केवल आदरणीय दादा के कंधे पर नहीं, दादा को सुनने वाला हर वो युवा, हर वो व्यक्ति जिसकी जवाबदारी है कि इस मिशन को आगे लेके जाए। दादा आपकी एक बात पिछले 2 महीने से दिमाग में गूंज रही है। बहुत सारे सामाजिक लोगों से मिले, कोई कहता कोई 25 साल से समाज का काम कर रहा हूं, कोई कहता हमको यहां से टिकट दिलाने में मदद कर दो, कोई वहां से टिकट दिलाने में मदद कर। बहुत सारे लोग अपने ही लोग उइके मराबी ध्रुवे सयाम पूरे पूरे क्षेत्र में मध्य प्रदेश में मिलते हैं। जहां जाओ पहली बात वही, भैया बीजेपी की सरकार जाने वाली है और कांग्रेस की सरकार आने वाली है और मैं जीतने वाला हूं, मुझे अगर अवसर मिल जाए तो समाज की समस्या हल हो जाएगी। क्या ऐसा संभव है? आपके यहाँ आपके क्षेत्र के विधायक तो आपके ही, तो क्या आपकी समस्या कम हुई? क्या आपको समाधान मिला? इस बात पर आपको चिंतन करने की आवश्यकता। मैं ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। आज ये जो टोपी है 15 अक्टूबर 2022 से मेरे सर पर, और मैं चाहता हूं कि मरते दम तक ये टोपी हमारे सर पर रहे। ये गमछा रहे या ना रहे, ये मैं बता देना चाहता हूं। ये टोपी रहे क्योंकि इस देश को, इस मातृभूमि को अगर कोई बचा सकता है तो वो सिपाही बचा सकता है। तो आपको सिपाही बनना पड़ेगा और सिपाही बनने के लिए आपको कैडर लेना पड़ेगा, आपको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। बगैर प्रशिक्षण लिए, बगैर कैडर के आप कोई मातृभूमि को, कोई देश को नहीं बचा सकते। एक बात मातृशक्तियों से कहना चाहूंगा, आने वाले समय में राजनीतिक परिदृश्य क्या बनेगा मुझे पता नहीं। इस देश में इतनी बड़ी घटना घट गई मणिपुर की, इस देश की राष्ट्रपति आदिवासी महिला, इस देश की राज्यपाल मणिपुर की राज्यपाल हमारी बहन, यही छिंदवाड़ा से रहने वाली हमारी बहन अनुसुईया उइके जी राज्यपाल रहे, और उस देश में, उस राज्य में आदिवासी महिलाओं को लगातार 2 महीने तक नंगा करके दौड़ाया गया और आप हम सब वो चीज भूल गए। हमारे दिमाग में दूसरी चीज चलने लगी। तो मणिपुर के उस मुद्दे को आने वाले 1000 साल तक भूलना नहीं मेरे भाई। मातृशक्ति, अगर वो मुद्दा आप भूले, अगर आप 100 रुपए के लालली पहना फलाने जिला बना देंगे, जिला दादा ने जो कहा हो सकता अभी बना दे, जो मेरे पास जानकारी दादा उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अभी मऊगंज को जिला बना दिया, अभी पांडुरंग को जिला बना दिया जिसकी मांग नहीं हुई, मैयर को जिला बना दिया, बैयर को भी जिला बना देंगे, कोई बड़ी भारी बात? और जिस आपने बजट की जो बात करी, आप सोना निकाल लो अपनी धरती से, लेकिन वो बजट तो मनुवादी अपने दिमाग से अपने ऊपर खर्च कर ही लेंगे, उससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला।
मैं मंडला का रहने वाला हूं और मंडला में पूरा पैसा मंडला में आता कलेक्टर के पास और वो पूरा पैसा जन विकास यात्रा में नड्डा जी आते हैं, योगी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, उसमें खर्च हो जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये गलतफहमी आप अपने दिमाग से दूर कर ले। सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा, आज आप मुझे देख रहे हो, मैंने दादा से कहा था कि आदरणीय दादा अब बिरसा आंदोलन करने की आवश्यकता है। बिरसा ब्रिगेड के जो जहां सिपाही जितने भी सिपाही तैयार हुए, पर इतना जरूर कॉन्फिडेंस मन में आया है, कोई दिल्ली नहीं, कोई भोपाल नहीं, अब तो जो जहां पर है वहीं से बिरसा आंदोलन की शुरुआत कर दो। बिरसा आंदोलन का मतलब बिरसा की आइडेंटिटी को अपने गांव में चौपाल लगाकर अपनी मातृ शक्तियों के बीच में, अपने युवाओं के बीच में, अपने बच्चों के बीच में, जब तक हम उसको ब्रेन में बिरसाइयत को नहीं डालेंगे कुछ नहीं होने वाले। आज स्थिति ये है, हमारे ही भाई हर जगह विधायक है, कांग्रेस में, बीजेपी में, सब जगह विधायक है, लेकिन क्या कोई संगठन का दबाव हमारे राजनीतिक पदों पर बैठे हुए लोगों के ऊपर है? नहीं। आज उनके जी से आप कोई बात कहो, वो माननीय कमलनाथ जी से पूछे बिना एक एक पत्थर यहाँ से वहां नहीं उठा कर सकते। ये आपको भी एहसास होगा, मुझे मन से बोलने में ये कोई बुराई नहीं, ऐसे ही मंडला में है, ऐसे ही सब जगह यही हाल। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर ये दो साल 2023, आज हम 18 सितंबर को उकवा की इस धरती पर बैठे, इसके बाद अभी 15 नवंबर आने वाले, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो दादा के मार्गदर्शन में जल्दी आपके ही और मंडला के बालाघाट और मंडला के बीच में ही राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी हम करेंगे। लेकिन उसके पहले दो महीने तक बिरसा का आंदोलन इस पूरे वनांचल के क्षेत्र में, ये जो हमारा आदिवासियत का क्षेत्र है, इस क्षेत्र के पूरे क्षेत्र में हम जाकर के और बिरसा के आंदोलन को और बिरसा की विचारधारा को जब तक बताएंगे नहीं, जब तक हम कोई सफल आंदोलन नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही कहूंगा कि गांव गांव में हमें बिरसा बाबा आंदोलन के माध्यम से लोगों को ये बात बताना पड़ेगा। राजनीति को भी आप भूल जाएं, ये राजनीति विकल्प नहीं। अभी छिंदवाड़ा में देखा आपने कि जो लोग आदिवासियों को, संविधान को बार बार कई तरह से कलंकित करने का काम कर रहे थे, उन्हीं को सत्ता पर काबिज होने वाले लोग, राजा बनने वाले लोग पूजने का काम कर रहे हैं, और हमारे लोग इस बात को खुशी मना रहे हैं कि सरकार बदलने वाली है, अब हमारा सिस्टम बदल जाएगा। तो आपका हमारा सिस्टम मिशन से बदलेगा। मैं ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा, मैं आज दादा आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज शाम को सब अपने अपने घर चले जाएंगे, लेकिन आज से बिरसा आंदोलन की शुरुआत हो गई है। एक एक दिन सारे अपडेट पॉइंट पर पूरे मंडला, डिंडोरी, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, सैडोल, जहां जहां भी जाकर के बिरसा की बात करनी पड़ेगी, तो बिरसा की बात करके आगे की कार्य योजना हम तय करेंगे। तो मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूं कि आप सब लोग मिशन के सच्चे सिपाही बने और इस बिरसाइयत को इन बलिदान देने वाले महापुरुषों के सामने संकल्प लेकर के आप जो है उस आंदोलन में आगे बढ़ेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ कि पूजे ना गए शहीद तो पूजे ना गए शहीद तो पथिये कौन अपनाएगा और तोफों के मुंह के सामने सीना कौन अड़ाएगा। ऐसे तोफों के मुंह के सामने सीना अड़ाने वाले हमारे महापुरुषों को नमन करते हुए मैं अपनी बात को यहाँ विराम देना चाहूंगा। जय जोहार, जय भारत।